अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरुसिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को पहले हम समझते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे पास समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें डिफरेंट सेट ऑफ पाथ्स में से, डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शन में से हमें एक जो है उसको अडॉप्ट करना होता है, तो उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो इन केसेस के लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट चाहिए जो कि प्रोग्राम में यूज़र को अलाउ करती हैं कि, या हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है उसको अलाउ करती हैं करेक्ट डिसीजंस के लेने के लिए और परफॉर्म राइट एक्शंस, कि राइट एक्शन को परफॉर्म कर सके और करेक्ट डिसीजंस ले सके। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसको सपोर्ट करता है, जिसमें हम डिफरेंट तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। सबसे पहले हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले जो है हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट में क्या है कि एक कंडीशन है वो चेक होगी। कंडीशन में हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं, मीन्स जैसे अगर हम कह सकते हैं इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है या नहीं, तो ये भी हमारे पास एक कंडीशन है। तो इस चीज़ को चेक करेंगे। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है देन फिर हमारा जो कंडीशनल कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि कंडीशनल कोड का क्या मतलब है, जो हमारी इफ़ की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा कोड, कंडीशनल कोड, वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जावास्क्रिप्ट जो है इफ एल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है, जिसमें इफ स्टेटमेंट भी को भी सपोर्ट करता है, इफ एल्स स्टेटमेंट को भी करता है और सीरीज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट को भी जो है वो सपोर्ट करता है। तो हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट है वो हमारे पास फंडामेंटल कंट्रोल स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट में, जो अलाउ करती है टू मेक डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स कंडीशनली, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंडीशन के बेस के ऊपर एग्जीक्यूट होंगी। इसका सिंटेक्स को देखें तो इसका बेसिक सिंटेक्स ये है कि हमारे पास इफ़ है, इफ़ के बाद उसमें हमने एक एक्सप्रेशन लिखना है उसकी पैरेंथेसिस में, यानी कि इफ़ कीवर्ड यूज़ करेंगे और राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे, जिसमें हम कोई भी एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, जो भी हम कंपैरिजन यहाँ पर देना चाह रहे हैं। उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो इसकी बॉडी जो है वो स्टार्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से इसकी बॉडी जो है वो हम क्लोज करेंगे। तो जो हमारे पास कंडीशनल कोड होगा वो इस कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। अगर तो हमारे पास जो रिजल्ट जो है उसकी वैल्यू ट्रू है तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जो मेरे इफ़ की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो यहाँ पर कंडीशन है, वो फॉल्स है, देन इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि वो यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा। तो हमारे पास जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग्स के लिए वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें तो हमने एक वेरिएबल लिया है एज और उसकी वैल्यू मैंने रख दी है यहाँ पर 20, यानी कि एज की वैल्यू जो है वो 20 है। और मैंने कहा है इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, यानी यहाँ पर ये कंडीशन आ गई कि मेरे पास जो वेरिएबल एज में वैल्यू जो पड़ी है अगर वो 18 से बड़ी है या उससे ग्रेटर है, देन वो फिर क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये मैंने स्क्रिप्ट में लिखा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको मैंने इनिशियलाइज किया है 20 से, यानी कि वेरिएबल एज में जो वैल्यू पड़ी है वो है 20। और मैंने इफ में कहा है यानी यहाँ पर एक मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है, अगर एज में जो वैल्यू पड़ी है वो 18 से ग्रेटर है तो देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट होगा क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, और अगर नहीं होगी तो देन ये जो इफ की बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको सेव करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर आया है क्वालिफाइड फॉर द ड्राइविंग। हम इस पैराग्राफ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
मेरे पास ये जो इफ है वो एक्सिक्यूट हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 20 नहीं करती हूँ, 18 से लेस कर देती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो मेरे पास इफ के जो बॉडी है वो एक्सिक्यूट नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है वो लिख लेते हैं। Try out different values. अब यहाँ पर मेरे पास क्योंकि उसने जो 16 है वो 18 से ग्रेटर नहीं है, देन इसलिए वो उसके जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था वो उसने नहीं राइट किया, यानी कि जो इफ की जो बॉडी है वो उसने एग्जीक्यूट नहीं होने दी। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इफ एल्स स्टेटमेंट, कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट आती है जो अलाउ करती है जावास्क्रिप्ट को टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स इन मोर कंट्रोल्ड वे। यानी कि जैसे हमने अभी देखा है कि इफ में अगर एक कंडीशन ट्रू है तो देन उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर फॉल्स है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स जिस तरह हमने इफ यूज़ किया है, इफ की तरह ही इफ आएगा और उसमें हम एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे जिसमें हम कोई कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर लेंगे, और अगर मेरे पास ये ट्रू होगा तो उसकी उस एक्सप्रेशन की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। एल्स में हम कोई एक्सप्रेशन नहीं देते, एल्स में सिंपल हम कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देते हैं। जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू है अगर वो ट्रू आ रही है तो जो हमारे पास इफ ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो मेरे पेरेंथेसिस वाला है ब्लॉक ये एक्सिक्यूट होगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन ये जो मैंने यहाँ पे इफ में दिया हुआ है इसकी वैल्यू फॉल्स आती है, यानी कि अभी जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा है कि वैल्यू फॉल्स है, यानी कि 16 इज नॉट ग्रेटर देन 18, तो हमने उसके रिजल्ट में क्या शो करवाना है, कोई भी स्टेटमेंट ये एक्सप्रेशन शो करवा देना है फॉल्स की कंडीशन में, तो हमारे पास एल्स जो ब्लॉक होगा वो एक्सिक्यूट होगा। इसे एग्जांपल को इंप्लीमेंट करते हैं। जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ, इसके बाद यहाँ पर एल्स लिख देते हैं। एल्स और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देते हैं। अब अगर अपने पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आ रहा है डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी एज की वैल्यू 19 कर देती हूँ, 18 से ग्रेटर, देन मेरे पास क्या आएगा, क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, यानी कि जो मेरे पास इफ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन जब मैंने इसकी वैल्यू 16 रखी हुई थी देन मेरे पास एस वाला जो ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सीरीज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें देखेंगे कि मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास ज़रा एक एडवांस फॉर्म है इफ एल्स स्टेटमेंट की, जिसमें जावास्क्रिप्ट जो है वो सेवरल कंडीशन में से एक करेक्ट डिसीजंस को पिक करता है। इसका सिंटेक्स देखें तो इफ एक्सप्रेशन वन, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर हम दे सकते हैं, अगर ए बी इससे बड़ा है तो फिर इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दें। एल्स इफ अगर ए बी से छोटा है, यानी कि ए इज लेस देन बी, तो फिर उसकी उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन टू है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स इफ इफ ए इज इक्वल टू बी, देन हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स में हमारे पास क्या है कि जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यानी कि अगर वो इन तीनों कंडीशन में से मैच नहीं करता तो फिर क्या करें, वो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दें। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ली है, वेरिएबल एक क्रिएट किया है बुक, इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखा है
और इसमें एक वेरिएबल लिए है बुक का, और उसमें मैंने उसकी जो वैल्यू रखी है वो है मैक्स। अब बुक को उसने कंपेयर करना है गिवन वैल्यू से जो हमारे पास एक्सप्रेशन में मौजूद है। इफ के एक्सप्रेशन में है कि इफ बुक इज इक्वल्स टू हिस्ट्री, यानी कि जो बुक वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू हिस्ट्री के इक्वल है, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर दें, हिस्ट्री बुक। एल्स इफ में क्या करें, इफ बुक यानी कि ये चीज़ हमारी ट्रू नहीं हुई, अगर बुक की वैल्यू मैथ्स के इक्वल है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दे मैथ्स बुक। अगर ये वाला ब्लॉक भी हमारा फॉल्स में चला जाता है तो नेक्स्ट में आ जाएंगे एल्स इफ, अगर बुक की वैल्यू इकोनॉमिक्स के इक्वल है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दे इकोनॉमिक्स बुक, अगर इन तीनों से मैच नहीं करता तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दे अननोन बुक। ये हमारे पास है सीरीज ऑफ एफएल्स। इसकी वैल्यू आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स बुक आ गए, जैसे ही उसे जो वेरिएबल में वैल्यू थी वो मैच मिली है मैथ्स के, यानी कि यहाँ पर उसको वैल्यू जो है एग्जैक्ट मैच मिल गई, तो फिर उसने क्या किया है, यानी कि दोनों वैल्यूज इक्वल थी तो उसने क्या किया, जो इसका जो बॉडी थी एल्स इफ की, इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर ये अपने जो स्टेटमेंट जो फर्दर प्रोसीजर है उसको ब्रेक कर दिया। अब इसी तरह अगर बुक की वैल्यू मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू कर देती हूँ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स बुक पे आके उसने ब्रेक किया है। बट अगर मैं यहाँ पर बुक की वैल्यू टोटली चेंज कर देती हूँ, इंग्लिश लिख देते हैं, मेरे पास यहाँ पर जो है वो एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गई जिसमें लिखा हुआ है अननोन बुक। तो हम इस तरह सीरीज ऑफ इफ को भी यूज कर सकते हैं।